हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में स्वागत है। देखिए जी, 8 बज चुके हैं और नाश्ता वगैरह जो है हमारा हो चुका है। मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है, हम सभी अभी बैठ के बातें कर रहे थे। अर्निका यहाँ पे लेट रही है और दीदी भी पीछे लेट रही है। अभी बस हम तो नहा लिए, मम्मी बना ली, दीदी अभी नहाएगी और फिर जो है इनका सिलाई का काम सभी हो चुका है। वैसे फॉल रह गए ना अभी, हाँ फाल फाल रह रहे अभी। और जी फिर सिलना है मम्मी का सूट, सिलाई वगैरह पता ही आपको, जब कोई आ जाता है सिलने के लिए फिर तो कपड़े निकालते रहो है। चल मेरे एक सूट मेरा सिल दे, एडवांस सिलवा के रख लिया है ना, ऐसे ही मैंने सिलवा के रख लिए जैसे। तो जी अभी अर्निका यहाँ पे नहा धो के तैयार हो के बैठ चुकी है। लड्डू आत्म सुबह सुबह नहा लिए ना, सुबह सुबह नहा लिए और काजल डाल ली थी जिसका, ये देखो सारी पोंछ ले। हम ना लेते तुझे, हमने लेते नींद आ गई, पंखे में गड़ रही है। बुआ जी के पास जाओ, चलो अच्छा बैठो बुआ जी को, बुआ जी बैठ जाओ, बैठ जाए सब लोग। फिर वीडियो में लेते कोई तेन कह, सब लोग वीडियो में आती, वीडियो में आती दीदी ने कह रहे क्यों नहीं लेते वीडियो में सब ने बस अभी शर्म लगे शादी के बाद आख रही है। हाँ चलो शादी के बाद आ जाए। तो जी बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। आज इसके पापा भी खेत में गए हैं और पापा भी खेत में गए हैं, खाद वाद डाल रहे, तो वहाँ पे स्प्रे वगैरह करनी है, तो फिर खाना बनाना है। अभी झाड़ू पोछा बाकी रह गया है, इधर जो है कपड़े फैले हुए ऐसे ही शाम के टाइम के उतार के लेके आए थे, धोए थे, जो उन्हें तय बना के रखनी है फिर काम करना है। तो चलिए जी करते हैं अपना काम है। आप क्या ले रहे हैं लड्डू, आप क्या ले रहे हैं? ये है बिंदी का पत्ता, ये खाली है, हो गया खाली, हो गया ना, ये खाली है, इसमें बिंदी ही नहीं है, है? और इसे ना बिंदी दिख जावे जब फिर उतार ले माथे पे जाए जी। तो चलिए जी अभी करते हैं अपना काम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ काम और सुबह का टाइम है, पता ही है आपको सुबह सुबह काम होते हैं, रोज़ के डेली रूटीन के यही काम होते हैं। और मम्मी, अर्निका, दीपा दीदी बेड पे लेट रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा काम कर लिया जाए, पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था क्योंकि कपड़े थे जो वे अभी पड़े हुए थे यहाँ पे, और फिर जो है मुझे दोपहर का काम करना है। फिर आपको पता है सिलाई विलाई का काम हमारे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि दीपा दीदी की शादी की जो है, शादी के लिए जो है साड़ी वाड़ी तैयार कर रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीपा दीदी कौन है, मैं बता देती हूँ आपको, दीपा दीदी जो मेरी बुआ सास है ना, उसकी लड़की, उनकी लड़की है, तो यानी कि अर्निका के पापा के बुआ जी की लड़की। तो वैसे दीदी बोलते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा ननंद है, मतलब कि हस्बैंड की बहन ननंद लगती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह के कुछ तय बना ली है और अर्निका के साथ मैं बातें कर रही थी, उसे लड्डू बोल रहे थे और जी वो हंस रही थी, बात कर रही थी मेरे साथ भी। मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बच्चों के साथ में भी हो जाता है। और यहाँ पे काम करने के बाद फिर दोपहर का खाना बनाना है और फिर थोड़ी बहुत देर हम दोपहर के टाइम सो जाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही तो बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता, और आराम से कूलर वूलर चला के सो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि अर्निका को दूध पिला देती हूँ, वो रोने लगी थी, पहले दूध पिलाया फिर दोबारा से काम करने लगे। तो चलिए जी फिर आगे शाम के टाइम, इसके पापा का सुबह से ऑर्डर लग रहा है कि पकौड़ी बनानी है, तो पकौड़ी बनाएंगे शाम के टाइम। सुबह तो हमें 6 बजे खेत में चले गए थे, फिर नाश्ता वास्ता किया, आगे पराठे वराठे बना लिए थे हमने। और गांव में पता ही है आपको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऑयली सी पकौड़ी वगैरह हुई, पराठे वगैरह, ये चीज़ें खाते हैं आपको, बस ये अपना मन की बात होती है खाने के, किसी को कैसा खाना अच्छा लगता है, किसी को खाना कैसा अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे फिर मुझे सोपों के कवर डालने हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे सोपों के कवर डाल रही हूँ, और जो है मुझे फिर दूसरे वाले रूम में जाके, एक सोफा पड़ा है ना उधर, तो वहाँ पे जाके भी कवर डालना है, मेज़ पे कवर डालना है। और मैं सोच रही हूँ कि मेज़ का कवर दूसरा बना दूँ क्योंकि हमारे मेज़ का कवर ना ख़राब सा हो गया, और उसी में सोचे कि थोड़ा सा कपड़ा जोड़ के तो और अच्छा सा बना दूँ, जब नया कपड़ा लाएंगे तो
फिर हम तीनों सोफों के कवर बनाएंगे। अच्छा नया सेट बनाऊंगी, तो जब बनाऊंगी तो आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि किस किस तरीके से इस तरह के सोफों के कवर बनाए जाते हैं। इनसे ना बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, क्योंकि धूल मिट्टी के पैर लेके बच्चे भी आते हैं तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं तो गंदे। देखिए हम बना रहे हैं पकौड़ी, और हम अभी इसमें डाल देते हैं बेसन। प्याज और आलू हमने काट लिए थे पहले ही, तो पहले थोड़ा डाल के देखते हैं बेसन। तो अब हल्दी डाल देंगे, और अभी इसमें हम नमक डाल देंगे। हल्दी हमने डाल दी है तो नमक चटपटा सा बनाएंगे। तो जी ये हो गई मिर्च, लाल वाली डाल देंगे, हरी नहीं है घर में तो लाल वाली मिर्च। तो इसे एक जगह मिक्स कर लेंगे अभी। तो ये कर लिया हमने सभी को एक जगह मिक्स, और जी ये डाल दिया इसमें हल्का सा पानी। और सभी बोलते हैं कि आप कम बेसन की पकौड़ी क्यों खाते हो, हमें इसी तरह की पसंद है जी, कम बेसन वाली। वो ना फिर बेसन बेसन सा अच्छा नहीं लगता, अब अपनी पसंद होती है देखो। तो हल्का सा और डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर पानी छोड़ दें ना आलू नमक डालने के बाद, तो फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसे ऐसे सूखा सूखा सा बनाएंगे, इससे कुरकुरी सी उतरती है पकौड़ियाँ, और आलू आलू सी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए तेल गर्म होने के लिए इस पर रख देते हैं, हल्का सा और डाल देंगे पानी फिर इसमें। तो देखिए जी अभी यहाँ पे पकौड़ी उतरनी स्टार्ट हो गई है, एक एक करके इसमें छोड़ देंगे। और चाय बन चुकी है, भूखा दीदी सभी को दे देंगे पकौड़ी, शाम के टाइम का नाश्ता ये। गाँव में शाम के टाइम चाय पिया ना सभी, भी वैसे गाँव में कोई कोई शहर में पिया, हमारे यहाँ से शाम के टाइम की। और आज संडे है ना, शिवा को बोल रहे सुबह तो टाइम नहीं लगा क्योंकि तो खेत में चले गए थे जल्दी जल्दी में, तो अब बोल रहे कि आज संडे है तो पकौड़ी बना दो। तो पकौड़ी जी सीख जाएगी तो फिर इन्हें उतार लेंगे। तो जी एक साइड से सीख चुकी है पकौड़ी, अब दूसरी साइड पलट देंगे इन्हें। प्याज की पकौड़ी, आलू प्याज की पलट तो ही नहीं है, कुरकुरी सी बहुत अच्छी बन रहा। तो अभी इसे सीखने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पकौड़ी सीख चुकी है, अभी हम इसे उतार लेंगे, और मम्मी पापा और अंडिका के पापा अंदर है, उन्हें खाने के लिए दे के आ जाएंगे। दे के आओ ना, ये देखिए और छोटे छोटे टिफिन से उनमें दे आएंगे। तो शाम का टाइम है, शाम के टाइम बन चुकी है पकौड़ी, और ये खाई जा रही है पकौड़ी। हाँ भाई पकौड़ी खाओगे, पकौड़ी खाओगे, कैसे खाओगे, कैसे खाओगे, हैं कहाँ है पकौड़ी? अर्णिका अट्टी बना के दिखा दो, अट्टी बना दो, अट्टी ऐसे बनाओगे ना, बना दो ऐसे बना दो, बना पापा को खिला दो। और पापा जी मम्मी जी खा रहे हैं पकौड़ी इस साइड में, चाय पकौड़ी शाम का नाश्ता। चाय पकौड़ी आइए आप भी खाइए। और ये इधर बटा दिया हमने। हाँ का बात हो रही, आ जाओ आओ पापा के पास, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसे मैंने चखा दिया, ये इसका आना है। तो देखिए जी सभी ने नाश्ता कर लिया है शाम के टाइम वाला, और हमारे यहाँ पे शाम के टाइम चाय बनती है ना, तो उसके लिए पकौड़ी बनी थी। तो ये हमने पकौड़ी लास्ट वाली रह गई है, ये है मेरी और दीपा दीदी की, मैडम तीन बजे खा ली उन्होंने, हमने सोचा कि हम दोनों एक साथ बैठ के खा लेंगे, मम्मी पापा और अंडिका, पापा और अंडिका ने सभी ने खा लिया। तो आइए फ्रेंड्स आप भी खाइए हमारे साथ गर्मा गर्म पकौड़ी आलू और प्याज, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।